दोस्तों, ईट ईस्ट इंडियन में आपका स्वागत है। और यहाँ पर तो भाई खूब सर्दी है, और जब हो ठंडी के दिन, दिल करता है कि कुछ गर्मा गर्म हो जाए जो आपको ताजा महसूस करवाए। तो इसलिए आज हम बनाएंगे एक कप चाय। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको भी चाय बनानी तो आती ही होगी, पर आप देखें कि हम अपनी किचन में चाय किस तरह से बनाते हैं। तो एक पतीले में आप डालें एक कप पानी। ये एक कप चाय बना रहे हैं। पानी तो आप अपनी इच्छा अनुसार जितने कप बना रहे हैं एडजस्ट करेंगे। इसमें हम डालेंगे दालचीनी, सिनामन, एक स्टिक सिनामन की, दो लौंग डालेंगे और तीन चार काली मिर्च के दाने। तो ये जो स्पाइसेस हैं, ये हमारे मसाले हैं, ये हमें सर्दी से फाइट करने में बहुत मदद करते हैं, तो इसलिए हमने ये डाली है। हमारा पानी तो उबल ही रहा है, साथ में ही हम डाल लेंगे दो इलायची। जब अदरक इलायची वाली चाय हो तो ओह कितनी अच्छी लगती है, दिन भर की थकान एकदम दूर हो जाती है। साथ में ही डाल रहे हैं सौंफ, और अदरक ना हो चाय में तो बात नहीं बनती। तो इसमें डाल रहे हैं अदरक। साथ में ही मैं यूज कर रही हूं ये चाय स्पाइसी चाय पत्ती। आप अपनी पसंद की कोई भी चाय पत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास चाय का मसाला है तो आप ये मसाले ना भी डालें तो चलेगा, सिर्फ पत्ती से ही काम चल जाता है। तो ये हमने डाली है अपनी पत्ती, आधा चम्मच। मैं थोड़ी कड़क पसंद करती हूं तो थोड़ी ज्यादा पत्ती डाल रही हूं। और अगर आप हल्का चाय पसंद करते हैं, नहीं चाहते तो काला रंग आए, तो थोड़ी कम पत्ती डालिए। इसमें डाला आधा कप दूध, और हम अब अपनी चाय को उबलने देंगे। चीनी भी मिला लें अगर आप मीठी चाय पसंद करते हैं, पर आजकल जैसे डायबिटीज वगैरह है काफी लोगों को, तो कुछ लोग तो फीकी चाय ही पसंद करते हैं, तो चीनी तो ऊपर से भी डाली जा सकती है। अब जब ये हमारी चाय में आ जाएगा उबाल, 1-2 मिनट इसे उबलने दें और फिर आंच बंद कर दें, अपनी गैस को बंद कर लें, और गर्मा गर्म चाय आप पकौड़ों के साथ या समोसों के साथ इंजॉय करें। अगर कुछ नहीं है तो चलो बिस्किट ही बना लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी हमारी चाय की रेसिपी। ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी। जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी, तो देखते रहिए ईट ईस्ट इंडियन चैनल। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।